सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे साइंस एंड टेक की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने सेकंड लेक्चर पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेस्पायरेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखें कि फिशेज ड्राइव ऑक्सीजन बाई टेकिंग इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्सिंग इट पास द गिल्स। बोल रहे जो फिशेज होती हैं वो ऑक्सीजन को लेती हैं वाटर से थ्रू देयर माउथ एंड उसको गिल्स से पास करवाते हैं, तब उनको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रखी है, ऐसे ही फिशेज लेती हैं, ठीक है। ये सेकंड है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज स्लोअर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। देखो, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स में होता है ना, वो ज़्यादा होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? ज़्यादा होता है। कहाँ पे? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें, उसमें कम नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो जो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि जो मतलब नॉर्मल एयर में, हमारी जो बाहर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो एयर है और जो वाटर में एयर है, जो वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल हो ना, वो काफ़ी कम होता है, मतलब पर यूनिट एरिया, और हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या एयर में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो फिशेज हैं या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ज़्यादा रेट से ब्रीदिंग लेनी पड़ती है वो ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। और फिर उनको गिल्स से पास किया जाता है, फिर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड ले लेता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाता है? ए। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 हमें क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है, द रूल्स आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ये जो रूल्स हैं इन्होंने नोटिफाई किए हैं। सेकंड है, फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ दिस रूल्स बाय डायरेक्ट सेलर्स, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज सेट अप ए मैकेनिज्म टू मॉनिटर और सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? हर एक गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा ताकि वो जो डायरेक्ट सेलर हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको क्या कर सकें? मॉनिटर कर सकें। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं वो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया है, और ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मतलब वो होते हैं, सेल होते हैं, उनके हर एक मॉडल पर, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पर ये जो रूल्स हैं ये लागू होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके अलावा बहुत सारी इसमें ऑब्लिगेशंस, मतलब देखो, सबसे पहले तो बोल रखा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते। कुछ आइटम्स इसमें प्रोहिबिटेड हैं, मतलब बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं वो क्या नहीं कर सकती, दो चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो सकती। सबसे पहले तो है कि पिरामिड स्कीम में, किसमें? पिरामिड स्कीम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। पिरामिड स्कीम में क्या होती है? पिरामिड स्कीम क्या होती है? पिरामिड स्कीम होती है कि भाई मतलब एक पर्सन, मतलब मान लो कि एक पर्सन है वो दो को बोल रहा है कि आप मतलब कमीशन एजेंट बन जाओ, फिर एक, फिर अगला दो को जोड़ रहा है, फिर अगला दो को जोड़ रहा है, समथिंग ऐसी ही होती है पिरामिड स्कीम, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं होना। और दूसरी चीज़, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है उनमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मनी सर्कुलेशन स्कीम में मतलब जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ को किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ से वो प्रोहिबिटेड है, तो ये है। और क्या करना है? जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं उनका मतलब अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना है, वो फेक नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट जो आप सेलर्स जो रिक्रूट कर रहे हो उनके पास आपका मतलब एड्रेस डिटेल्स वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। और जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं मतलब उनको हर एक चीज़ सामान बेचने से पहले सब कुछ दिखाना पड़ेगा कि मतलब सामान कैसा है, उसकी क्रेडिट टर्म्स क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज ऑफर्स क्या क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद टर्म्स ऑफ गारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 हमारा आंसर क्या हो जाता है? दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोलता है? कैसलर सिंड्रोम क्या होता है? कैसलर सिंड्रोम, देखो कैसलर सिंड्रोम क्या होता है? अभी आजकल क्या हो गया, देखो अभी स्टारलिंक का जो मतलब सैटेलाइट था वो चाइना के स्टेशन से टकराने वाला था जस्ट, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि स्पेस में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा जैम की सिचुएशन हो गई है, ठीक है, जाम की सिचुएशन हो गई। और दूसरी चीज़, जो कैसलर सिंड्रोम होता है यही होता है कि अमाउंट ऑफ जंक इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ,
ठीक है, रीचेज ए पॉइंट वेयर इट जस्ट क्रिएट मोर एंड मोर स्पेस डेब्रिस, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, मतलब अभी जितने भी स्पेस क्राफ्ट जाएंगे उसके बाद वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, मिशन प्लानर्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, तो उसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, ए चेन रिएक्शन जहाँ पे मोर स्पेस ऑब्जेक्ट्स विल कोलाइड एंड क्रिएट स्पेस जंक को वो क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम, समझ में आ गया ये। उसके बाद है, इसने बोला है कि किसी वुमेन में अगर एक एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है, अगर किसी में एक एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है वुमेन में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, उसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बोल रखा है, ए जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन ए बॉय इज बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, जब एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोजोम की हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और उसके बाद आता है, बोल रहे हैं कि एक टाइप की मोशन सिकनेस प्रोबेबली जो मेनली एस्ट्रोनॉट्स को होती है, वो अप एंड डाउन पोजीशन को नहीं पहचान पाते हैं जब ऑर्बिट में होते हैं या स्पेस में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेस अडप्टेशन सिंड्रोम, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस अडप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमारे हैं अलग अलग टाइप के सिंड्रोम, तो क्वेश्चन नंबर 53 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, देखो प्रो मतलब प्री और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस बनने से पहले की जो होती है, मतलब वहाँ पे मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोकैरियोट में बोल रखा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सेकंड है यूकैरियोटिक, यूकैरियोट में सारे होते हैं, इसमें बोल रखा है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें तो होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी होगी, हमारी बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्रोकैरियोट में आती है। यूकैरियोट की बात करें, जो भी हमारे फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे किस में आते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ वायरस वगैरह, ये सारे चीज़ें इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है, इनमें जो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती, तो बेसिकली क्या होता है, नेकेड होता है, उस पर एनवलप नहीं होता है, ठीक है, याद रखना इसको, तो उसमें वैसे ही होता है। और यूकैरियोट में सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, हमें बताना है कि प्यूरीन्स नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से। देखो वैसे तो ये सारे ही नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है, ये सारे ही नाइट्रोजन बेसिस हैं, लेकिन इसमें से प्यूरीन कौन कौन से, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, वो है एडेनिन एंड गुआनिन। कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन हमारे प्यूरीन्स हैं, और दूसरे क्या होते हैं, हमारे पायरीमिडिन्स होते हैं, क्या होते हैं, पायरीमिडिन्स। तो ये होते हैं हमारे प्यूरीन और पायरीमिडिन्स, तो एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन्स हैं हमारे, और जो ये और सारे हैं क्या हैं, पायरीमिडिन्स हैं, ठीक है। और बस यही है, और क्या बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड क्या है, ये वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बतानी है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी सर्विस एरिया जो इसका है वो इंडिया को भी कवर करता है, एज वेल एज जो रीजन है 500 किलोमीटर तक फ्रॉम इट्स बाउंड्री, उसको भी कवर करता है, बिल्कुल ये कवर करता है। और ये सिविलियंस और ऑथोराइज यूजर्स दोनों को ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया क्या है, ऐसी फोर्थ कंट्री बन गई है, इंडिया क्या है, ऐसी इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है, इंडिया ऐसी फोर्थ कंट्री बन गई है जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, जिसके पास क्या है, अपना इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है, याद रखना इंडिया ऐसी फोर्थ कंट्री बन गई है जिसका नाम है क्या, IRNSS, ठीक है।
ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद ये किसको रिप्लेस कर देगा, जीपीएस को जो हम यूज़ करते हैं, ये उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जीपीएस का जो हम यूज़ करते हैं आईआरएनएस, उसको रिप्लेस कर देगा। आईआरएनएस क्या, एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, जो किसने डेवलप किया है, इसरो ने। किसने डेवलप किया है ये, इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है। टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजिशन इन्फॉर्मेशन यूजर्स को इंडिया में, एज वेल एज 1500 किलोमीटर तक की जो बाउंड्री है उनको, ठीक है, जो इसका प्राइमरी सर्विस एरिया है। ये एक्सटेंडेड सर्विस एरिया जो है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है थोड़ा सा। उसके अलावा ये मेनली जो IRNSS है ना, ये दो टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तो है हमारी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम की, एक तो हमारी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम की जो सब यूजर्स को प्रोवाइड की जा की जाएगी। और कुछ इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, जो केवल और केवल जो ऑथराइज्ड यूजर है केवल उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये दोनों टाइप की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कौन सी है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम सबको प्रोवाइड करेगा, और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज केवल और केवल यूजर्स को, मतलब ऑथराइज जो यूजर्स हैं उन्हीं को प्रोवाइड करेगा। एट प्रेजेंट जो IRNS है उसमें कितने सैटेलाइट हैं, उसमें 8 सैटेलाइट हैं, याद रखना। अभी IRNS में कितने सैटेलाइट हैं, 8 सैटेलाइट हैं, उसमें से जो 3 हैं, याद रखना, उसमें से जो 3 हैं वो किस ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। वो कहाँ पे है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, याद रखना। जो हमारे 3 हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और जो हमारे बच गए 5 वो कहाँ पे हैं, वो है हमारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। वो कहाँ पे हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं, ठीक है। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, 3 सैटेलाइट और 5 सैटेलाइट, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा बस यही है हमारी क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, IRNSS के बारे में। और कोई किस किस टाइप के सैटेलाइट हैं, कुछ एप्लीकेशन IRNS की जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैराइन नेविगेशन ये कर सकती है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में मतलब हेल्प कर सकती है। उसके अलावा व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है, प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग, ठीक है, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन। उसके बाद विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, तो ये सारे काम ये कर सकती है, कौन सी, IRNSS। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है 57 पे, विद रेफरेंस टू डिफरेंट जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना है। सबसे पहले सोलर जियो इंजीनियरिंग इज यूज टू रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक इन टू द स्पेस बाई यूजिंग सल्फेट्स। सोलर जियो इंजीनियरिंग का देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जियो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि डेलिब्रेट ऑफ लार्ज स्केल इन्वेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल इन्वेंशन होता है जो अर्थ के नेचुरल सिस्टम में किया जाता है, ताकि जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको रिवर्स किया जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो हम फिजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं इस अर्थ को कूल करने के लिए, तो हमें बहुत सारे तरीके अपनाते हैं उसमें, ठीक है, उसमें बहुत सारे तरीके अपनाते हैं उसमें। तो मतलब मेन चीज़ क्या है, मेनली इसमें 3 टेक्निक्स आती है। तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक है, सोलर रेडिएशन को हमें मैनेज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करना है और वेदर मॉडिफिकेशन करना है। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, सोलर मतलब जो सोलर से आ रही रेडिएशन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको दोबारा स्पेस में भेजने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है कि वो दोबारा स्पेस में चले जाएं। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उसको सिक्वेस्ट्रेशन उसका किया जाता है, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो बाहर ना निकले। इसमें कौन कौन सी मतलब, फिर इसमें बहुत सारी टाइप की प्रैक्टिसेस यूज़ होती होंगी। ये सबसे पहले सोलर जियो इंजीनियरिंग, सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या होती है, सोलर जियो इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, इसको दूसरा नाम है इसका डिमिंग द सन। इसका दूसरा नाम क्या है, डिमिंग द सन। इसका दूसरा नाम क्या है, डिमिंग द सन भी है इसका नाम। इसमें सल्फेट्स को स्प्रे कर दिया जाता है एयर के अंदर, ताकि जो भी सनलाइट आए वो दोबारा स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो यही है मतलब, ये सल्फेट्स को ही किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है लोहा फैक्स इज ए ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ आयरन कैन कोज एल्गल ब्लूम एंड ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, इसमें यही किया जाता है कि मतलब मेनली आयरन फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है ये ओशन में, कि जो आयरन है वो एल्गल ब्लूम कोज कर दे और फिर वो क्या कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर ले। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड है स्पाइस, एक टाइप का प्रोजेक्ट है जो मेनली असेस करेगा जो भी इंजेक्टेबल पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिबिलिटी को स्ट्रेटोस्फेयर में, कि वो मतलब सोलर रेडिएशन को मैनेज करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये भी इसमें यूज़ होएगा। बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट भी। तो स्पाइस मेनली टीथर्ड बैलून का यूज़ करेगा सोलर रेडिएशन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं क्लाउड ब्राइटनिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, या फिर आप लिख सकते हो क्लाउड ब्राइटनिंग भी एक टेक्निक है। क्लाउड ब्राइटनिंग में क्या होता है, ये एक मतलब इसमें सोल्ट वाटर को क्लाउड्स में स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि जो भी मतलब रिफ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो सन से जो भी रेज आएँ वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएँ, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, कि हमें ये तीनों ही स्टेटमेंट किस में यूज़ हो सकते हैं, जियो इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजीज है तीनों ही,
ठीक है, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, हमें क्या बोलता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में बताना है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेनली रिपीटेडली सॉफ्ट, जब हम हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे, तो ऐसे कौन कौन से हैं। तो याद रखना बेकेलाइट नहीं है, इसमें पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड है। जो बेकेलाइट है ये किस में आता है, थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स में आता है, किस में आता है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आता है, ये किस में आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आता है बेकेलाइट, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अब बारे में बात करोगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इसमें क्या था ये बिलीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं, वो मेनली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, हैवीली ब्रांच्ड होते हैं, ये कम ब्रांच थे, ये क्या होते हैं, हैवीली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, हैवीली ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जब हीटिंग होती है तो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है इनमें, और अगेन फिर भी कैम क्या हो जाते हैं, इन्फ्यूजेबल होते हैं, और इनको आप दोबारा रीयूज़ भी नहीं कर सकते, ये रीयूजेबल भी नहीं है, ठीक है, रीयूजेबल भी ये नहीं है, जबकि जो थर्मो ये वाले प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये रीयूजेबल भी है, इनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब जो थर्मोसेटिंग वाले में एक तो बेकेलाइट होगा, और भी कोई एग्जाम्पल है, येस और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के जो रेजिन्स होते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होगे, तो दोनों चीज़ें आपको पता चल गई, तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा कंप्लीट 58। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, हमें बताना है म्यूटेशन किस किस से होगी। देखो म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन का मतलब होता है कि मतलब जीन में जो चेंजेस कर दे, तो बिल्कुल देखो एक्सरे भी कर सकती है, गामा रेज भी कर सकती है, मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा और एक्सरे सारी क्या होती है, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो म्यूटेशन कोज कर सकती हैं। तो अल्फा ये एक्सरे और गामा तो होएगी, साथ में मस्टर्ड, यूवी और नाइट्रस एसिड सारे ही कोज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारे ही म्यूटेशन कोज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे, ठीक है। इसमें भी याद रखना, इसमें भी दो टाइप के मतलब चेंजेस होते हैं, एक तो एक होती है हेरिडिटरी म्यूटेशन जो मतलब पेरेंट्स से लेके बच्चों में भी चली जाती है, और एक होती है एक्वायर्ड म्यूटेशन जो आपके मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल में ही मतलब नॉर्मल आपके में नहीं थी, लेकिन जब भी आपके कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन मिली या कुछ मिली तब वो मतलब वो हो गई, ठीक है। और जो ये मतलब एक्वायर्ड या फिर सोमेटिक म्यूटेशन होती है ये अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, जबकि जो हेरिडिटरी म्यूटेशन होती है वो अगले जन्म में बोल रही हूँ, अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये होती है दो टाइप की म्यूटेशन, हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को क्या बोलते हैं, सोमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, कौन सी ये ट्रांसफर होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया 59। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, हमें बताना है प्रीटोमैनिड बीडाक्विलिन एंड लिनेजोइड ये कहाँ पे हैं। तो याद रखना ये ड्रग्स किसके हैं, टीबी के हैं। अभी रिसेंटली जो है ये ड्रग को क्या मिला है, न्यू ड्रग है जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिडेंट टीबी के लिए यूज होती है। क्या है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिडेंट जो टीबी है उसके लिए यूज मेनली होती है, ये नई ड्रग अभी बनाई गई है, ठीक है। इन तीनों को मिला के एक ड्रग बनाई गई है जिसको मतलब जो भी है जो मल्टी ड्रग रेजिडेंट जो टीबी है उसको ठीक करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा इससे पहले भी मतलब जो कुछ ड्रग्स थे जिनका पहले यूज होता था, मतलब और भी काफ़ी सारी ड्रग्स थी, ऐसा नहीं है कि केवल यही ड्रग हैं, ये तीन तो अभी नई ड्रग बनाई गई है इन तीनों को मिला के, ठीक है। उससे पहले कौन कौन सी थी, तो थर्ड ड्रग है, पहले कौन कौन सी यूज होती थी, एक तो बीडाक्विलिन और एक है डिलाएमिनिड। कौन सी है, एक तो है बीडाक्विलिन और एक है हमारा डिलामिनिड, ठीक है। तो ये पहले यूज़ होती थी, तो ये थर्ड ड्रग है जो टीबी की मेनली अभी बनी है इन तीन चीज़ों को मिला के। तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, हमें बताना है सेल न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो सेल न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। और क्या क्या होता है, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स बेस में दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं हिस्टोन प्रोटीन और एक होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ लिपिड्स भी होते हैं। उसके बाद बहुत टाइप के जो फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं वो भी होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली सोर्ट्स वे भी होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं 62 पे, हमें बताना है एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले देखो, अब कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, उसके
बहुत सारे उसके वो हो सकते हैं एडवांटेजेस। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी आपको पता चला होगा कि सेम टाइप के क्वेश्चन जो है वो उसमें भी आए हुए हैं। नंबर इंक्रीज हो सकता है बिल्कुल, एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसके बाद जेनेटिक स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाएगा, और मतलब अगर जिस टाइप के आप चाहोगे उस टाइप के पैदा होंगे, मतलब उनमें बीमारियाँ भी कम होंगी। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। मतलब अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन में अभी 440 एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर की बात कही गई थी 2017 में थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या बोलता है, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट दैट कंटेन नो आरएनए। देखो, सबसे पहले तो इनमें आरएनए और डीएनए होता ही नहीं है, जिसके बारे में भी बात चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये रैपिडली स्प्रेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी। इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि मेड काउ डिजीज़ जो है वो इसी के कारण होती है। तो वो क्या होते हैं, प्रियोन्स। वो क्या होते हैं, प्रियोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होते हैं, प्रियोन्स। मेड काउ डिजीज मेनली इन्हीं के कारण होती है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी मिस्टीरियस जो इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है, वो भी ये कोज कर देते हैं। जैसे कि एक है CJD इन ह्यूमंस। ठीक है, CJD डिजीज़ होती है एक इन ह्यूमंस, वो भी ये मतलब कौन कोज कर सकते हैं, कौन, प्रियोन्स। ठीक है, इनमें ये सारी चीज़ें बता दी आपको कि प्रियोन क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। उसके बाद आ गया हमारा क्या, ये तो हो गया। ठीक है, ये वीरियोइड क्या होते हैं, फिर ये वीरियोइड क्या होते हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट एंटिटीज होते हैं जो मेनली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, प्लांट्स को मेनली अफेक्ट करते हैं, और वायरस से भी स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। ठीक है, वायरस से भी स्मॉल होते हैं और मेनली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद केवल इसमें क्या होता है, बिना प्रोटीन कोट के न्यूक्लिक एसिड होता है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है बिना प्रोटीन कोट के, विदाउट प्रोटीन कोट। ठीक है, बिना प्रोटीन कोट के इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अलावा दे आर स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं, कौन से, वीरियोइड्स। उसके बाद आ जाता है हमारा वायरस। वायरस तो आपको पता है स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो मेनली क्या करता है, केवल और केवल लिविंग सेल्स में रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये मतलब ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया आर के सबको। ठीक है, और ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं उनमें या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, इज देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आरएनए भी हो सकता है किसी में और डीएनए भी हो सकता है किसी में, इनका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आता है हमारा क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में तो आपको पता है, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया से अलग ही होता है सब कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं सारे हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हमें बताना है एप्लीकेशन ऑफ लेज़र के बारे में। देखो भाई, मैंने बहुत बार बता लिया है कि ये जो साइंस की जो एप्लीकेशन होती है ना, पोटेंशियल एप्लीकेशन, वो कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। ये ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने में यूज़ हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग में यूज़ हो सकता है, और मेनली पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने में यूज़ हो सकता है, और बारकोड स्कैनर्स में भी यूज़ हो सकता है। तो सारी जगह इनका यूज़ हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमें बताना है कि रिसेंटली देर इज़ ए क्राइसिस इन साहिल बेल्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के साहिल बेल्ट में क्या हो गई, क्राइसिस हो गई थी। तो G5 साहिल फोर्स वाज सेटअप। तो G5 साहिल एक बेल्ट का सेटअप किया, सॉरी G5 साहिल फोर्स का एक सेटअप किया गया 2017 में, जो भी ग्रोइंग टेररिस्ट थ्रेट्स हैं उसी रीजन में, उसको रोकने के लिए। तो हमें फोर्स बतानी है कि वो पांच कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जहाँ से वो आई है। तो याद रखना, वो पांच कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पांच कंट्रीज़ कौन कौन सी, एक तो है चाड, एक है बुर्किना फासो, एक है माली, एक है नाइजर और एक है मोरिशियाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांच कंट्रीज है जिन्होंने बताया G5 साहिल फोर्स। ठीक है, ये पांच कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई है ताकि वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक ना हो सके, और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है उसके कारण, ये सारी चीज़ें उससे मिली, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 66 पे। हमें बताना है स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। स्टारलिंक क्या करना चाह रहा है, तो आपको पता ही होगा स्टारलिंक क्या करना चाह रहा है, स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करना चाह रहा है सैटेलाइट के थ्रू। तो ये क्या है, इट इज़ ए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज टू पीपल ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ये है स्टारलिंक, इसमें क्या करना था। तो क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोलता है कि हमें बोसोन के बारे में बताना है। बोसोन हैज़ बीन क्वाइट फ्रीक्वेंट इन न्यूज़। बोसोन बहुत ज़्यादा क्वाइट फ्रीक्वेंट रहा है न्यूज़ में ड्यू टू इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च के कारण। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें बताना है कि बोसोन के बारे में क्या चीज़ें हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, बोसोन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले
तो आपने सुना होगा ये जो मतलब बोल रहे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मैटर को नहीं बनाते, क्योंकि ये क्या होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है, ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, ये मतलब बंडल, इसमें टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब बोसोन्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या, बोसोन्स के आपने सुने होंगे, जैसे कि फोटोन्स आपने सुना होगा, ये एनर्जी का पार्टिकल्स होते हैं। हिग्स बोसोन, ये भी मतलब बोसोन्स में ही आते हैं। उसके बाद ग्लूओन्स, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे बोसोन्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, बोसोन्स होते हैं। तो ध्यान रखना, ये मैटर को नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये मेनली किससे होते हैं, फोर्स बियरिंग पार्टिकल्स होते हैं ये। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ बोसोन्स। अभी बताया बोसोन्स में तो ये केवल यही होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन बोसोन्स में नहीं आते हैं। थर्ड है, एवरी बोसोन हैज़ ए नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है लेकिन जीरो मास नहीं होता है हर एक बोसोन का, क्योंकि क्या होते हैं, कुछ समथिंग एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इन तीनों, अगर इन तीनों की बात करें, तो इसमें जो फोटोन्स और जो हिग्स बोसोन होते हैं, वो तो मतलब अगर बात करें, मतलब हिग्स बोसोन ही, सॉरी, फोटोन्स और जो ग्लूओन्स होते हैं, ये तो बिल्कुल ही इनका मासलेस पार्टिकल्स ही होते हैं, इनका तो लगभग जीरो ही मास होता है। लेकिन जो हिग्स बोसोन होते हैं, उनका कुछ मतलब एलिमेंट्री मास होता है, ठीक है। तो यस, उनका मास हो सकता है लेकिन ये नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, बोसोन के बारे में। बोसोन एक एनर्जी पार्टिकल है, ना कि किसी मैटर को बनाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। इसके क्या क्या है, जैसे कि फोटोन्स, ग्लूओन, हिग्स बोसोन, इसके मेन एग्जांपल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें नहीं आते हैं। एवरी बोसोन का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, नॉन जीरो मास होता है। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। फ्री स्पेस ऑप्टिकल के बारे में बताना है। किसके बारे में, फ्री स्पेस ऑप्टिकल के बारे में बताना है। सबसे पहले है, इट इज़ ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा किससे ट्रांसफर होता है, एयर से ट्रांसफर होता है। बिल्कुल ये फ्री स्पेस ऑप्टिकल, मतलब जो स्पेस से या फिर एयर से, जो फ्री स्पेस एज ए मीडियम की तरह एक्ट करता है, जो भी मतलब भेजता है, ट्रांसफर करता है, और जो रिसीवर होता है उनके लिए, ठीक है। याद रखना, इसमें मेनली किसी होता है, फ्री स्पेस एज ए मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम कैन बी एयर, आउटर स्पेस, वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। तो यस, ये ऐसा ही करता है। सेकंड है, इट कैन बी यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो अब एक बार बताओ, आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी के लिए तो यूज़ होता ही है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। यहाँ पे मेनली लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है, ये मेनली क्या होता है, जहाँ पे डेटा, वॉइस, वीडियो कम्युनिकेशन, मेनली मैक्सिमम 10 GBPS जो डेटा है उस तक की, वहाँ तक की जा सकती है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, फ्री स्पेस ऑप्टिकल्स, जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन किया जाता है थ्रू, मतलब कैसे भी वॉइस नोट आप भेजो, कैसे भी भेजो, ठीक है। तो यही है, और मेनली इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये वायरलेस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपको कोई वायर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और FSO को यूज़ करने के लिए मतलब आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके अलावा मेनली स्कोर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, किसके बारे में, फ्री स्पेस ऑप्टिकल के बारे में। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 69 पे। हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो आप एक बात बताओ कि क्या आपको ये चीज़ पता है कि बिल्कुल, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, हमेशा धरती में कोई सामान गिरेगा ऊपर तो वो होएगा नहीं। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल मास पर डिपेंड करती है ये बोल रखे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मास और इस पे, मास पे और चार्ज पे, दोनों पे डिपेंड करती है, मास पे और चार्ज पे दोनों पे डिपेंड करती है। तो ऐसा नहीं है, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल चार्ज पे करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, ठीक है। थर्ड है, व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है बिटवीन द टू बॉडीज, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो जो होती है वो इससे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर
ऑफ डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो भी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी डिपेंड करती है किस पे, हमारी डिस्टेंस पे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारी आंसर क्या आ गया, ए, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है हमारी दोनों एनर्जीज के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, बोल रहा है कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की वैरायटी है जिसमें मेनली क्या विटामिन ए की डेफिशिएंसी को काउंटर किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, इट्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियम, बैक्टीरियम से मतलब इसमें क्या किया गया, जीन ट्रांसफर किया गया, तो बिल्कुल बैक्टीरियम से जीन्स ट्रांसफर किया गया, और दो जीन्स इसमें ट्रांसफर किए गए हैं, एक तो फाइटोइन सिंथेज, ठीक है, एक तो है फाइटो इन सिंथेज, और एक दूसरा हमारा जीन है कौन सा, सोयल बैक्टीरियम से जो लिया गया, एक है फाइटो इन डीसेचुरेज, ठीक है, फाइटो इन डीसेचुरेज, डीसेचुरेज, तो ये दो हमारे मतलब जीन्स लिए गए हैं उससे, तो ये होगी। ड्यू टू इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन नॉट बी ब्रीड विद लोकल वेराइटीज़, इसको लोकल वेराइटीज़ के साथ जो है ब्रीड नहीं किया जा सकता, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको अदर वेराइटीज़ के साथ भी ब्रीड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है इसको ब्रीड नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आ गया हमारा डी। तो हमारे गोल्डन राइस के बारे में बताना था, तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी कंप्लीट, आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 71 हमें बताना, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है। देखो आपने सुना होगा ये क्वेश्चन, आप तभी कर सकते हो जब आपने वो पढ़ी है ना, 11th 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपके इस लगभग क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन पोटाशियम बेस आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी न्यूक्लिक एसिड में पोटाशियम बेस होता है, तो ये तो होता ही नहीं है, और पहले तीन होते, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने लायक है नहीं, मेनली प्यूरिन, पायरिमिडीन्स, ये सारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, तो याद रखना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, ठीक है, पोटाशियम बेस कहीं पे नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया डी, सी। 72 पे हमें बताना है कि कौन सा एसिड कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा एसिड कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ हो सकता है, फिर एसिटिक एसिड फूड प्रोसेसिंग में यूज़ हो सकता है, सिट्रिक एसिड वॉशिंग सोडा के में यूज़ हो सकता है, फिर बेंजोइक एसिड, इसने बोला गया कि बैटरीज़ के लिए यूज़ होता है, तो याद रखना बैटरीज़ को वो करने के लिए मेनली कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मेनली यूज़ होता है, बैटरीज़ के लिए मेनली कौन सा यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मेनली यूज़ होता है, ना कि बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मेनली किस में यूज होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन एंड फूड, ठीक है, ये मेनली किस में होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन एंड फूड, मेडिसिन एंड फूड को प्रिजर्व करने में यूज होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। तो कौन कौन से एसिड कहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, हो गया क्वेश्चन, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, हमें बताना है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी के बारे में, कौन से, तो जीन्स होते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें, जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, जो एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया ए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, बोल रहा है कि ए पॉजिटिव पर्सन जो है वो ओ नेगेटिव वुमेन से शादी कर लेता है, तो हमें बताना है शादी कर लेता, हाँ, तो हमें बताना है कि कौन सा उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, हमें नहीं हो सकता बनाने हैं। देखो एक तो है ए, ए है, एक ओ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप छोड़ दो, ठीक है, ओ में आपने पढ़ा होगा कि ओ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर बाई चांस मान लो ये ए ए है, या फिर ये ए आई भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं इसमें, तो उनका क्या ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, तो इसको आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसका ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, इसका ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसका ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा तो इसका कोई ब्लड ग्रुप हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, इसमें बोल रखा है कि कौन सा नहीं हो सकता, देखो ए हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए भी उसका ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है, ए भी कहीं दिख रहा है, बी तो है नहीं, तो बी तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है, तो इसका ए भी जो है वो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, तो 74 का आंसर क्या हो गया, सी। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 75 पे, हमें बताना है प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होती है, सबसे पहले है हमारी, सबसे पहले नाम आया मीजल्स का, ये मीजल्स, मीजल्स किससे होती है, मीजल्स वायरस से होती है, ठीक है, मीजल्स किससे होती है, वायरस से होती है, पहले स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका मतलब क्या, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट आई, फिर थर्ड आ जाती है हमारी क्या, डिप्थीरिया, ठीक है, फिर क्या आ जाती है हमारी, डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया आपको पता होगा ये कौन सी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है, प्रोटोजोआ से मेनली कौन सी डिजीज होती है, मेनली ये सॉरी मलेरिया डिजीज होती है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो गया बी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
76 पे हमें बताने हैं केमिकल वॉरफेयर एजेंट में कौन कौन सी जो गैसेज हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। तो देखो इन तीनों ही गैस का यूज़ किया जा सकता है, मस्टर्ड गैस का भी, सारिन का भी और फोस्जीन का भी, सबका यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा डी, ठीक है, इन सबका यूज़ किया जा सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, INS विला के बारे में बताना है। बोले कि ये फोर्थ स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनाई जा रही है फ्रांस की पार्टनरशिप से। तो आपको पता होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फोर्थ है। तो पहले तीन कौन कौन से आए हुए हैं, पहले तीन आपने नाम सुना होगा, एक तो INS कलावरी, कलवारी, उसके बाद है खांडेरी, ठीक है, खांडेरी, उसके बाद हमारी कौन सी आई, उसके बाद करांज, INS करांज, तो ये आई है, उसके बाद ये वेला आई है, उसके बाद जो वागीर है उसके जो ट्रायल्स हैं वो अभी चल ही रहे हैं, और जबकि जो वाघशीर है अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ध्यान रखना है ये आने वाली दो हैं, अभी वेला आ गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड अट्रैक्ट सबमरीन है जिसमें विद साइलेंट परमानेंटली मैग्नेटाइज प्रोपल्शन मोटर, बिल्कुल। तो याद रखना है ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक सबमरीन है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। और ये जो P-75 मिशन था, इसमें ये क्या था, एक 30 ईयर प्लान था, ये क्या था, एक P-75 एक 30 ईयर प्लान था सबमरीन्स को बनाने का, कि हमें क्या करना है, सबमरीन्स को बनाना है, ठीक है। 2005 में इंडिया और फ्रांस ने साइन किया कि हम 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाएंगे, जिसमें से ये रहे 6 उनके नाम, ठीक है। पहले आ गई कलवारी, खांडेरी, करांज, और फिर अभी आई है वेला, और उसके बाद इसके जो ट्रायल्स हैं चल रहे हैं वागीर के, और वाघशीर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो जाता है, सी आ जाते हैं 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 हमें क्या बोलता है, इजरायली गवर्नमेंट ने बोल रखे हैं कि डबल मतलब एक प्लान सेटल किया है कि हमें ज्यूइश सेटलर जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है उस एरिया में, ठीक है। जो एरिया है वो जॉर्डन रिवर से बाउंड है, और सी ऑफ गैलीलियो ऑन द वेस्ट से बाउंड है, और माउंट हेरोन ऑन द नॉर्थ से बाउंड है, ठीक है। तो एंड यारमुक रिवर ऑन द ईस्ट एंड साउथ द ए, तो एरिया बताना हमें सीरिया का अंटिल 1967, ये जो एरिया था ये सीरिया का था 1967 तक, लेकिन बाद में इसको इसराइल ने छीन लिया। तो ये किसके बारे में बात चल रही है, ये बात चल रही है गोलन हाइट्स के बीच में, सीरिया और इसराइल के बीच में एक ही जो एरिया है जिसके ऊपर लड़ाई चलती है वो है गोलन हाइट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये गोलन हाइट्स का एरिया है, उसके इधर उधर क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से इसको मैप में देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 78 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 79 पे, हमें बताना है केमिकल प्रोसेस के बारे में, कौन सी केमिकल प्रोसेस है। देखो केमिकल प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें किसी भी चीज़ का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, किसी भी चीज़ का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, आइस क्यूब अगर मेल्ट कर रहा है तो वाटर तो पहले सॉलिड में था, अब लिक्विड में हो गया, तो वाटर ही रहा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसका मतलब सेकंड तो करेक्ट है। थर्ड देखो, मिक्सिंग शुगर इन वाटर, देखो वाटर में शुगर मिक्स करोगे तो वाटर ही रहेगा ना, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, केवल और केवल जो हमारा जो केमिकल प्रोसेस है वो कौन सी है, केवल सेकंड है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, 80 क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, जब ये मेटल की एबिलिटी होती है थिन शीट्स में, मतलब होने की, बिना टूटे थिन शीट्स में जो पूरी कन्वर्ट हो जाती है उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, और गोल्ड जो है हाईली मेलिएबल मटेरियल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, और एक ही जगह यहाँ पे इसकी यूज़ होता है डक्टिलिटी का, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है जब हमको कोई भी चीज़ थिन वायर्स में बदल जाती है बिना टूटे वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। ये मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं और मैलिएबल भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर हो गया, सी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, हमें बताना है कि कौन से जो है वो कौन से एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्च को शुगर में कौन से एंजाइम करेंगे, तो वो है स्लेवरी अमाइलेज, कौन से करेंगे, स्लेवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो करेगा स्टार्च को किसमें, शुगर में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, ये आप जो देख रहे हो ना पेप्सिन, ठीक है, ये पेप्सिन क्या है कुछ नहीं है। उसके बाद ये प्रोटीज क्या है, प्रोटीज एक टाइप का प्रोटीन है, मेनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मेनली कहाँ से निकलता है, स्टमच या फिर पैनक्रियाज से मेनली निकलता है, ठीक है। स्लेवरी अमाइलेज आपको बता दिया, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में, किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है आपका लाइपेज मेनली क्या करता है, लिपिड को कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और जो भी वो क्या होता है ग्लिसरॉल में, और मेनली ये कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से मेनली निकलता है, ठीक है, पैनक्रियाज से मेनली निकलता है। और इसके अलावा बात करें हम पेप्सिन कहाँ से निकलता है, मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ आपको बता देती हूँ, तो आप मेरे को बताना कि पेप्सिन कहाँ से निकलता है और क्या ये डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है, तो ध्यान रखनी है तो सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा ये हो गया, क्या क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो गया, सी, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे, ठीक है। डीप वेब क्या होता है, देखो डीप वेब क्या होता है, बोल रहे हैं कि ये टॉप 10% बॉटम 10% होता है लिस्ट साइट्स का,
ये क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब विच कंटेंट्स आर नॉट इंडेक्स्ड बाय स्टैंडर्ड वेब रिसर्च इंजन। बिल्कुल यही क्या होता है, डार्क वेब होता है, जब इसमें आप कुछ चीज़ सर्च करते हो तो आपकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलता इसमें, जो कुछ भी आप सर्च करो, ठीक है। तो ये मेनली किन के लिए अट्रैक्टिव होता है, जो मेनली गलत काम कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेनली इस पर जाना, डार्क वेब को यूज़ करना इलीगल नहीं है, लेकिन हाँ ये इलीगल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रमोट करता है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्स ट्रैफिकिंग, इलिसिट ड्रग्स, काउंटरफिट जो गुड्स होते हैं उनका मतलब वहाँ पे वो होता है, तो टेरर फाइनेंसिंग भी मिलने वहाँ से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, हमें बताने किस टाइप की मेडिसिन क्या काम करती है। देखो एंटी हिस्टामिन जो है ना वो सूजन को कम करती है, एंटी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं होती है मेनली, एंटी फर्टिलिटी ड्रग नहीं होती है मेनली, एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं ये मेनली जो स्वेलिंग, इचनेस, इचिस जो होते हैं, रेडनेस हो जाती है उसको ठीक करती है मेनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ गया, सी, मतलब जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीवियर मेंटल डिजीज को ठीक करते हैं और एनाल्जेसिक पेन को रिड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 83 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 84 पे, हमें बताना है कि एक कप में के बोतल में होल हो रखा है और बोतल में होल हो रखा है, ड्रेन स्लोवर्स वैन फिल्ड विद हनी देन वैन, देखो वाटर, देखो एक कप है उसके बोतल में हमने होल कर दिया, पहले पानी डाला तो बहुत जल्दी निकल गया और जो फिर हमने शहद डाला तो धीरे धीरे निकला, तो क्यों निकला, क्योंकि विस्कोसिटी है उसमें। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डिफरेंस इन विस्कोसिटी ऑफ हनी एंड वाटर, जो हनी है वो ज़्यादा विस्कस है तो वो धीरे धीरे निकल रहा है और जो वाटर है उसमें विस्कोसिटी कम है तो वो लेट निकलेगा, तो बिल्कुल सही है। तो 84 का आंसर क्या हो गया हमारा, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे, हमें बता रखा है, हमें बताना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे कौन कौन से जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के हमें डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के, देखो हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, तो बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर तो है। पार्किंसन डिजीज़, देखो पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, ये नर्वस सिस्टम की हमारी डिजीज़ होती है, किसकी, नर्वस सिस्टम की हमारी डिजीज़ होती है, जिसमें मेनली मसल्स रिजिड हो जाती हैं, ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, मतलब जो भी एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा कांपने लग जाती हैं, बोला नहीं जाता, ऐसी चीज़ें होती है पार्किंसन डिजीज़ में। उसके बाद होती है एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में आती है मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जो मेनली मतलब बार बार सीजर्स जो आते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन की बीमारी है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की केवल हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, हमें ब्रेन का वो पार्ट बताना है जो बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और बहुत सारे हॉर्मोन्स को भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाता है, तो वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस है ये, हाइपोथैलेमस को आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन्स रिलीज, मतलब खुद कुछ हार्मोन्स रिलीज कर, मेनली इसके जो हार्मोन्स होते हैं ना जो यूज़ करने के, जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना है या फिर कुछ और करना है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, और ये जो है हाइपोथैलेमस वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलवाने के लिए कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि अगर आप बात करो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से निकलता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने के इसी में होते हैं, जैसे कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है फिर पिट्यूटरी से, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, उसके बाद कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये निकालता है, उसके बाद थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, उसके बाद डोपामीन मेनली यहाँ से निकलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सारे रिलीजिंग हार्मोन जो मेनली कहाँ पे जाके काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर वो हार्मोन निकलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ कौन सा पार्ट है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाने को करता है, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, हमें प्रीबायोटिक्स के बारे में बताना है। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं या फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बेनिफिशियल जो गट बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो ये होते हैं प्रीबायोटिक्स। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली जो हमारी साइंस टेक की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लेना। मेरे को ऐसा लगता है इसमें टेक्नोलॉजी के तो क्वेश्चन है ही नहीं, केवल साइंस साइंस के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले है आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर यूज, देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं मैंने बताया, टेक्नोलॉजी में यूजेज कुछ भी हो सकते हैं, कैंसर में भी ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज हो सकते हैं, ऐसे फ्यूल और गोइटर को भी ठीक करने में यूज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, हमें बताना है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लिविंग बींग्स पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो बताने हैं।
सबसे पहले बोला गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, फास्ट मूविंग्स होते हैं, लेकिन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। यहीं पे आपको रुक जाना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स हमेशा याद रखना क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, डायरेक्ट रॉन्ग होगी। सेकंड बोला गया कि बीटा पार्टिकल्स, बीटा क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। थर्ड बोल रखे हैं गामा रेज, गामा रेज क्या होती है, ये बोल रहे हैं वेटलेस पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जो मेनली सेल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी मतलब जो इनकरेक्ट है। अब आप देखो जो अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बता दिया मैंने, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, मेनली दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं एटम्स के न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल कब निकलते हैं, जब हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है, ठीक है, हैवीएस्ट रेडियो एलिमेंट का डिके होता है। और याद रखना अल्फा पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो स्किन के बाहर से जाके, मतलब मान लो कि हमारी बॉडी के बाहर अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कर दिए, तो इनमें ये इनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि शरीर की जो स्किन है उसको पेनिट्रेट कर दें, ये स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल्स स्किन की जो लेयर्स हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो इसका जब ये एक्सपोज होंगे बाहर तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये शरीर के अंदर चले गए, पेनिट्रेट कर गए, मतलब जैसे कि इनहेल कर लिया हमने, स्वेलो कर लिया, या फिर कहीं कट से ये अंदर घुस गए, तो ये सेंसिटिव लिविंग और जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे बीटा पार्टिकल्स के बाद, फास्ट मूविंग्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज लेकिन होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद बात करें, उसके बाद बात चले, ये ज़्यादा ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, ध्यान रखना, और पेनिट्रेट कर सकते हैं लेकिन लिविंग टिश्यूज़ के लिए लेस डैमेजिंग है, ध्यान रखना, लेस डैमेज कर सकते हैं ये, याद रखना, पेनिट्रेट तो कर जाएंगे लेकिन डैमेज कम करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फिर है गामा रेज, गामा रेज तो मेनली एक मतलब एनर्जी के पार्टिकल्स की तरह होते हैं, जैसे कि फोटोन्स हो गए, एनर्जी के पार्टिकल्स हो गए, डायरेक्टली बॉडी में पेनिट्रेट कर भी सकते हैं और जो भी सेल स्ट्रक्चर है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, हमें बताना है किसके बारे में, जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स को, मतलब शरीर से जो भी खराब एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्रीट करने में कौन कौन हेल्प करता है, किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन, सारे ही करते हैं। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, ध्यान रखना, सारे ही करते हैं। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, लंग्स का समझ में आ गया, CO2 को बाहर निकालता है, किडनी ब्लड साफ करती है, स्किन से स्वेट निकलता है, तो लीवर क्या करता है, याद रखना, ये बहुत सारे उनको सिक्रेट करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह होगा, स्टीरोइड होगा, वाइटामिन्स हो गए, ड्रग्स हो गई, बहुत सारे बाइल सिक्रेटिंग सब्सटेंस हो गए, उन सबको भी ये वो करता है। और अल्टीमेटली जो जितने भी ये सब्सटेंस है ये किसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, 91 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कौन कैरी करता है। देखो नॉर्मली आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस मेनली क्या करती हैं, अनडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आर्टरी क्या कि पल्मोनरी आर्टरी आ जाए, देखो पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पर इसमें पूछ रखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो पल्मोनरी आर्टरी तो नहीं करती है, और पल्मोनरी आर्टरी नहीं करती है तो डायरेक्ट आंसर आ गया, मतलब पल्मोनरी वेन करती है। याद रखना नॉर्मल आर्टरीज और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और नॉर्मल वेन्स क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जब इनके आगे पल्मोनरी आ जाए, मतलब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, मतलब वो करेगी ऑक्सीजन, पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, मतलब कौन सा पीएच को चेक करने में यूज़ हो सकता है। तो रेड कैबेज, ओनियन, फिनेप्थलीन, सारे यूज़ हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। तो सारे ही मतलब जो एज एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो सारे ही वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, डी, सारे ही यूज़ हो सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल होते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और भी आ जाएं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, टर्मरिक का हम यूज़ कर सकते हैं, चाइना रोज़, ठीक है, चाइना रोज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ओनियन हो गया, वनीला हो गया, वनीला हो गया, क्लोव हो गया, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, आपने नाम सुना होगा मिथाइल ऑरेंज, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में जैसे कि सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, देखो आपने फोर्टिफाइड सॉल्ट के बारे में सुना होगा कि उसमें क्या हो जाता है, आयोडीन को डाला जाता है, आयोडीन रिच जो सॉल्ट होता है उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो डबल आयोडाइड, डबल फोर्टिफाइड, मतलब कोई दो चीज़ें डाल रखी होंगी, तो आयोडीन और आयरन, याद रखना आयोडीन और आयरन दो चीज़ें डाली जाती हैं डबल आयोडाइज सॉल्ट में, तो ये ध्यान रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट रहोगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया क्या, बी,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस याद ही रखने लायक है कि डबल फोर्टिफाइड में क्या क्या डाले जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, एपिजेनेटिक्स क्या है। एपिजेनेटिक्स क्या है, तो एपिजेनेटिक्स क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है, ये है स्टडी हेरिटेबल चेंजेस की जो मेनली जीन एक्सप्रेशन में होते हैं और मेनली इसमें डीएनए की सीक्वेंस चेंज नहीं होती। मतलब एपिजेनेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब क्या होता है, आपका जीनोटाइप तो चेंज नहीं होता लेकिन फिनोटाइप चेंज हो जाता है। क्या होता है, जीनोटाइप चेंज नहीं होता लेकिन आपकी जो फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह है वो चीज़ चेंज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, एपिजेनेटिक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 94। आ जाते हैं 95 पे, हमें बताना है स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ऐसी सेल्स जो टोटली पोटेंट होते हैं जिस सेल से हम और कोई भी डिफरेंशिएटेड सेल बना सकते हैं। दे डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन ह्यूमन बॉडी, यस बनती हैं। दे आर ओनली फाउंड इन एम्ब्रायो, क्या है केवल और केवल एम्ब्रायो में ही पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। देखो हमारे बोन मैरो में बेसिस सेल पाई जाती हैं, बोन मैरो में बेसिस सेल पाई जाती हैं और एडल्ट में, ठीक है। तो बोन मैरो में भी पाई जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है, इसीलिए आपने नाम सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, क्योंकि उससे क्या कोई भी सेल जो है डिफरेंशिएटेड सेल बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है, कि मतलब स्टेम सेल्स के बारे में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 96 पे, हमें बताना है एमआरआई और सीटी स्कैन के बारे में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एमआरआई एक्सरे का यूज़ करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, एमआरआई बिल्कुल भी एक्सरे का यूज़ नहीं करती है, एमआरआई बिल्कुल भी एक्सरे का यूज़ नहीं करती है। एमआरआई में मेनली कौन सी यूज़ होती है, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, कौन सी यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन एमआरआई में एक्सरेज का यूज़ नहीं होता। सेकंड है, वाइल एमआरआई स्कैनिंग कैन नॉट प्रोड्यूस द पिक्चर ऑफ बोन, कंप्यूटेड टोपोग्राफी कैन प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ बोन्स। तो याद रखना दोनों ही जो है बोन्स को मतलब वो कर सकती हैं, दोनों ही बोन्स को मतलब जो एमआरआई है उसमें भी बोन्स की पिक्चर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ सकती हैं। थर्ड है, ज्वेलरी जो है और अदर वेयरेबल मेटालिक एसेसरीज अलाउड नहीं होती है एमआरआई के टाइम पे, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, अगर तो वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा इंटरफेयर कर देंगी, इसलिए वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड हमारी रहूँगा, तो आपने सुना होगा जो वैसे सिटी स्कैन्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमआरआई, क्योंकि एमआरआई में टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, और सिटी स्कैन और एमआरआई क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो सिटी स्कैन थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है, और सिटी स्कैन में और एक्सरे में दोनों में ही एक्सरेज का यूज़ होता है, याद रखना सिटी स्कैन और एक्सरेज दोनों में एक्सरेज का यूज होता है, तो ध्यान रखना। तो ये इनमें दोनों में क्या होता है, एक्सरेज का यूज होता है, एमआरआई में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 97 पे, वाइट फाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है उसका यूज करना। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ अनयूज्ड या अंडर यूज्ड जो पोर्शन ना ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी का, अगर हम उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज करें तो उसको बोलते हैं वाइट फाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, न्यू रिसेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दे रखा है, याद रखना वाइट फाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो जिसमें अनयूज्ड जो भी पोर्शन है ना हमारे ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम का कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज करना, उसको बोलते हैं वाइट फाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आ जाते हैं टोटिपोटेंसी क्या होती है, टोटिपोटेंसी मतलब टोटिपोटेंसी वही स्टेम सेल वाला काम, आप उससे किसी भी टाइप की डिफरेंशिएटेड सेल बनवा सकते हो। तो टोटिपोटेंसी क्या होती है, एक सिंगल सेल जो टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, वॉशिंग सोडा के बारे में बताना। देखो वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को प्रोड्यूस करने में। दूसरी है ये क्लीन डोमेस्टिक पर्पजेज में इसको क्लीनजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल उसकी तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। और थर्ड है ये मेनली परमानेंट हार्डनेस को, कल ही क्वेश्चन हुआ था कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो यही परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। और वैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 into 10H2O, ये क्या होता है वॉशिंग सोडा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड का वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा का मेनली यूज़ ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, नैनो मटेरियल के बारे में बताना है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी सारी की सारी जो डायमेंशंस हैं वो नैनोमीटर स्केल में होती है उसको बोलते हैं नैनो मटेरियल्स। तो याद रखना तीनों नहीं, कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक डायमेंशन अगर उसकी नैनोमीटर में है ना, नैनोमीटर स्केल में है ना, तो भी उसको नैनोमेटेरियल बोल देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, सारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक हो तब भी उसको नैनोमेटेरियल घोषित कर दिया जाएगा। सेकंड है, नैनोमेटेरियल्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, क्या केवल और केवल सिंथेसाइज आर्टिफिशियली हो सकते हैं, नहीं, नैनो पार्टिकल्स मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है वहाँ पे भी हो सकते हैं, जैसे कि वोल्केनोज हो गए, ठीक है, वोल्केनोज में ये रिलीज हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर के द्वारा मेनली नैनो पार्टिकल्स रिलीज हो सकते हैं, ठीक है,
तो केवल और केवल इनको सिंथेटिक तरीके से नहीं, नेचुरली भी ये मतलब एटमॉस्फेयर में नैनो पार्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मेरा कोई मतलब इतना ज़्यादा मतलब मूड अब ठीक है, कोई कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। किसी ने कुछ कमेंट में कुछ बोल दिया था कि भाई हम आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि थोड़ा शर्मा लो, सब्सक्राइब कर दो, ये वो कुछ फालतू की चीज़ें कमेंट में लिख के, और बोला कि हमने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। तो भाई मेरे बोलने और ना बोलने से आप सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, आपका मन करता है आप तभी करो मेरे बोलने। अब मैं तो कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, ठीक है, आप मजाक को भी अगर आप मजाक की तरह नहीं लेते हो तो पता नहीं फिर आप कहाँ ही क्या सोच रहे हो, पता नहीं। मैं तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग चीज़ें तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए जो बोलती हूँ मजाक में ही बोलती हूँ। इन दी सेंस आपको करना है तो करो, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ही करो। मैं तो ये भी नहीं बोलती आप ज़बरदस्ती करो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पैच का जो लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।